बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र पैंट के बेल्ट पर इलास्टिक और बुकरम लगाकर हम किस तरह से स्टिच करते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैं ट्राउज़र पूरी तरह से स्टिच कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसन की सेंटर लाइन से हम इस तरह से मार्क करेंगे और फिर दोनों साइड पर हम 3.5 इंचेस हम निशान लगाएंगे। तो टोटल ये हमारा 7 इंचेस होगा। तो 7 इंचेस का हम बुकरम लेंगे। 7 इंच का बुकरम लेकर बाकी जो भी बचेगा वेस्ट राउंड हम वहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर मैं 7 इंचेस का बुकरम ले रही हूँ और इसकी विड्थ होगी 1 इंचेस। और ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र के हम दोनों साइड पर हम 3.5 पर मार्क लगा चुके हैं। तो आसन की जो मिडिल स्टिचिंग लाइन है वहाँ से हम इस तरह से बुकरम को फोल्ड करेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से मैच करेंगे। दोनों साइड बुकरम बराबर पेस्ट हो इस तरह से हम आयरन भी कर देंगे। आयरन करके इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मैं इसके बाद यहाँ पर इलास्टिक लेने का मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। वेस्ट है मेरी 32 इंचेस। 32 इंचेस में से हम 4 इंचेस माइनस करेंगे तो ये होगा 28 इंचेस। 28 इंचेस में से हम और 7 इंचेस माइनस करेंगे और इसके बाद हमारे पास रह जाएगा 21 इंचेस। तो 21 इंचेस हम इलास्टिक लेंगे अपनी वेस्ट राउंड के लिए। इस तरह से हम इलास्टिक का मेजरमेंट करेंगे। इलास्टिक को इस तरह से हम बुकरम के साथ रखते हुए हम स्टिच करेंगे पूरे वेस्ट राउंड पर। ये देखिए मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर आसन से स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पूरे कपड़े को बुकरम पर कवर करेंगे और यहाँ पर अपने इलास्टिक को हम फेस रखेंगे और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ 2 से 3 सिलाई करते हुए हम नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से हम अपनी स्टिचिंग को कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छी तरह से हम इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे और फिर यहाँ से हम स्टिचिंग करते जाएंगे। इलास्टिक को हम हल्के हाथ से खींचेंगे। इस तरह से हम दूसरे एंड पर हम पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर अपने इलास्टिक को बुकरम के साथ हम रखेंगे और फिर दोबारा से 1 से 2 सिलाई हम यहाँ पर करेंगे ताकि हमारा इलास्टिक अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। दोबारा से हम इस स्टिचिंग को आसन पर स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हम अपनी स्टिचिंग को पूरा करेंगे और फिर दोबारा से हम इलास्टिक के सेंटर पर एक सीधी स्टिच हम कर देंगे। इस तरह से हम सिंपल तरीके के साथ हम ट्राउज़र पॉइंट पर बुकरम और इलास्टिक को स्टिच कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।